उठा न पाएगा, जब ना उठे वो मूर्ति बेटे समझ तू जाना। ये भेद किसी को भी अभी मत तू बताना। कह कर के इतना स्वप्न में मैया चली गई, जाते ही माँ के भक्त की फिर आंख खुल गई। राम कृपा करना मैया तू दया करना, राम कृपा करना मैया तू दया करना। आगे की इससे भक्त सुनाऊं वहाँ से कैसे कैला भवानी। एक बार नगर कोट में ऐसा समय आया, कुछ दुष्ट शासकों ने था आतंक मचाया। वो दुष्ट देव मूर्ति और मंदिर को तोड़ते, मिलता जो करता साधना जिंदा न छोड़ते। छिप छिप के बचाते थे भक्त अपनी को, चिंता लगी सताने भक्त योगी राज को। दुष्टों की नजर मैया पे कहीं पड़ नहीं जाए, चिंता ये माँ के भक्त को दिन रात सताए। एक दिन भवानी मैया उनके स्वप्न में आई, सुन बात मेरे ध्यान से बोली महामाई। राम कृपा करना मैया छोड़ सारी, मैं हूँ तेरे साथ में। यहाँ से निकल जाना बेटे आज रात में। राजा मुकुंद दास मेरा भक्त है जहाँ, ले चल तू राजस्थान में मेरे भक्त के यहाँ। जैसा कहा था स्वप्न में योगी ने वो किया, रख करके मूर्ति बैल पे फिर भक्त चल दिया। आधी थी रात बाकी और घनघोर अंधेरा, छिपता छिपाता जा रहा था भक्त अकेला। मैया को लेके संग भक्त चलता ही रहा, बीते थे कितने रोज वो पल भर भी ना रुका। राम कृपा करना मैया तू दया करना, राम कृपा करना मैया तू दया करना। दिन रात चलते चलते माँ का भक्त थक गया, एक और कदम चलना उसके वश में ना रहा। जंगल था बियाबान और घनघोर अंधेरा, थे रास्ते अनजाने और था दूर सवेरा। अब क्या करे योगी की समझ कुछ नहीं आए, महामाई की माया को वो पहचान न पाए। अब रात गुजार मूर्ति उतारी। कुछ देर बाद योगी को कुछ दिखा उजाला, केदार गिरी जहाँ जप रहे मैया जी की माला। राम कृपा करना मैया तू दया करना, राम कृपा करना मैया तू दया करना। पहुँचे गुफा के पास और आवाज लगाई, केदारगिरी को योगी ने बात बताई। दोनों ने साथ साथ आज रात बिताई, होते ही भोर पहुँचे जहाँ थी महामाई।
चल में को योगी राज ने मूरत जो उठाई, योगी से माँ की मूर्ति हिल भी नहीं पाई। कुछ लोगों ने मिल कर के माँ की मूर्ति उठाई, जब ना उठी तो गिरी को याद स्वप्न की आई। माँ ने कहा था आऊंगी मैं मूर्ति रूप में, पहचान लेना मुझको मेरे तू स्वरूप में। राम कृपा करना मैया तू दया करना, राम कृपा करना मैया तू दया करना। केदारगिरी बाबा ने माँ का ध्यान जब किया, मैया का खेल भक्त ने पल में समझ लिया। मैया जी वहाँ आ चुकी जहाँ था उन्हें आना, है बात किसके वश की अब मैया को उठाना। ये बात समझ योगी राज की भी आ गई, केदारगिरी के प्रार्थना मन उनके भाग गई। वापिस चले गए छोड़कर, बाबा ने प्रार्थना की माँ से हाथ जोड़कर। जीवन ये मेरा तुमने साकार किया माँ, आकर के दीन भक्त पे उपकार किया माँ। बहोर पटेल भूमिया को बाबा ने बुलाया, स्थापना करने को मुहूर्त निकलवाया। राम कृपा करना मैया जल्दी ही चैत्र मास की वो शुभ घड़ी आई, मैया ने अपनी लीला आज सबको दिखाई। स्नान कराने को जब मुहूर्त को उठाया, मैया ने आज बोझ अपना इतना घटाया। केदारगिरी बाबा ने अकेले उठा लिया, स्नान काली सिल पे माँ को करा दिया। मैया का उसी जगह पे स्थान बनाया, भक्तों ने कैला मैया का जयकारा लगाया। सब लोगों ने मिल करके की मैया की अर्चना, पूरी लगी होने वहाँ पे सबकी कामना। कैला कृपा करना मैया तू दया करना, कैला कृपा करना मैया तू दया करना। महामाई कैला मैया की जो भी शरण आया, कैला करोली वाली ने हर कष्ट मिटाया। राजा मुकुंद दास को लोगों ने बताया, चल कर के नंगे पैर माँ के पास वो आया। आंखों में भर के आंसू माँ को दर्द सुनाया, मैया ने अपने भक्त को फांसी से बचाया। राजा ने वहाँ मंदिर मैया का बनाया, मैया की शरण में ही सारा जन्म बिताया। राजा गोपाल सिंह माँ के भक्त थे भारी, चामुंडा माँ से खेरा से यहाँ आके पधारी। राम कृपा करना मैया तू दया करना, राम कृपा करना मैया तू दया करना। पर्वत पे बना कैला का मंदिर विशाल है,
अंबर को चूमे धर्म ध्वजा माँ की लाल है। जो भक्त भक्ति भाव से दरबार में जाते हैं, दर से न कभी खाली वो लौट के आते। जा कर के काली सिल में जो एक बार नहाए, कट जाते सारे पाप भव से पार हो जाए। जाके वहोरा भक्त को जो शीश झुकाए, हर भूत व्याधि भाग सदा के लिए जाए। लगता वहाँ हर साल लाखों भक्तों का मेला, तेरी सदा ही जय हो माँ भगवती कैला। कैला कृपा करना मैया तू दया करना।